हेलो प्रेमेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और हमारी जो जर्नी है वो बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है और आज के दिन हम करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में स्टडी। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर उन चैप्टर्स में से एक है जिसको बच्चे अक्सर छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम के अंदर। कारण कि पहले तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट नहीं हुआ होता, और पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि ये चैप्टर कोई इतना खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जबकि रियलिटी ये है कि इस चैप्टर में से हर साल एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है और कई बार दो क्वेश्चन भी इस चैप्टर के अंदर से पूछ लिए जाते हैं। और एडवांटेज ये है कि अगर आप इस चैप्टर के छोटे 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 कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान में रख लो तो आप आसानी से एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे, जो कि पूरी की पूरी मॉडर्न फिजिक्स के लिए मैंने आपको बताया है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। और इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो कंसेप्ट मैप की शुरुआत होगी वो मास की एक बहुत ही छोटी यूनिट के साथ होगी। उसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि हम न्यूक्लियस की बात करने वाले हैं। न्यूक्लियस की साइज भी बहुत छोटी होती है और न्यूक्लियस का मास भी बहुत कम होता है हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने आते हैं उनके कंपैरिजन में। तो हमने किलोग्राम यूनिट यूज करना ज्यादा बेटर नहीं समझा, अभी आपको कारण पता चलेगा क्यों। तो हमने एक नई यूनिट बनाई जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, 1U या AMU लिखा जाता है। इसका मतलब होता है मास ऑफ कार्बन 12 एटम। हमने एक्सपेरिमेंटली कार्बन 12 एटम का मास मेजर किया और उसको 12 से डिवाइड कर दिया इस उम्मीद में कि कार्बन 12 के अंदर 12 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ऑल्दो प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स का मास अलग अलग होता है बट ऑलमोस्ट सेम माना जा सकता है। तो हमने ये जो यूनिट है वो इस उम्मीद में बनाई है कि 1 AMU जो है या 1U जो है वो एक न्यूक्लियॉन के मास को अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया और इसकी वैल्यू निकल के आती है 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि ये कितनी छोटी यूनिट है मास की। इस यूनिट के अंदर जब आप प्रोटॉन का मास लिखते हो तो वो आता है 1.00727U, न्यूट्रॉन का लिखते हो तो 1.00866U और इलेक्ट्रॉन का लिखते हो तो 0.00055U। आप कंपेयर कर सकते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, और अगर आप बिल्कुल डेप्थ में चले जाओगे तो न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा हैवियर होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इन दोनों के कंपेरिजन में बहुत ही हल्का पार्टिकल है, हजार गुना कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो हमने एक छोटी यूनिट बना ली मास की, राइट। फिर उसके बाद में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस जो है उनको भी सेग्रीगेट कर लिया। हमने सबसे पहले देखा कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट को इस सिंबल का यूज करते हुए लिखा जाता है, जेड यानी कि एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एटम, और ए ऊपर लिखा जाता है दैट रिप्रेजेंट्स एटॉमिक मास नंबर यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है वो पार्टिकल जिनका घर न्यूक्लियस है, यानी कि प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन कहलाता है और न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियॉन ही कहते हैं, कंबाइंडली ये दोनों न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। तो इससे आप बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हो। जेड का मतलब समझ जाना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई पूछे तो सीधा सीधा जेड होगा। ए अगर कोई नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पूछे तो वो ए होगा, और अगर कोई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। अब बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप कम से कम ये जो तीन नंबर्स आपने पढ़े हैं, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनके कंपैरिजन पे आप क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे आइसोटोप्स उनको कहा जाता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब जेड सेम होता है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हो ना तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आप बेसिकली इनको यानी कि आइसोटोप्स को अलग अलग शो नहीं कर सकते क्योंकि पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के आधार पर बनाई गई है। आइसोटोन्स के अंदर देखोगे तो इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, और आइसोबार्स के अंदर एटॉमिक मास नंबर सेम होता है, जेड और एन अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें जो लास्ट से थर्ड लेटर है इंग्लिश का उसके बेसिस पे आप आसानी से इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो। यहाँ पे प्री आ रहा है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, एन आ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, ए आ रहा है मतलब एटॉमिक मास नंबर सेम होगा अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, तो अगर इन जनरल किसी न्यूक्लियस को उठाएंगे तो उसकी सबसे पहले तो रेडियस के बारे में बात करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चली कि यार रेडियस जो है वो एटॉमिक मास नंबर के ऊपर डिपेंड तो करती है बट
पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑब्वियस भी है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब है जिस न्यूक्लियस, जिस घर की आप बात कर रहे हो उसके अंदर कितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स रहते हैं, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होंगे तो घर की साइज भी बड़ी होगी, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, क्या होगा, पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसी वजह से अगर आप न्यूक्लियस के वॉल्यूम की बात करोगे तो फिर वो एटॉमिक मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर रेडियस का क्या करते हो आप, क्यूब करते हो। और यहीं से फिर आप डेंसिटी तक आओगे तो आप देखोगे कि किसी भी न्यूक्लियस की, चाहे कोई सा भी न्यूक्लियस हो, उसकी डेंसिटी हमेशा कॉन्स्टेंट होती है, एंड दैट इज 2.7 × 10⁻¹⁷ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये जो चीज है ना, यहां से हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक अलग ही तरीके का फोर्स वर्क करता है, एंड इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन इलेक्ट्रोस्टेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले अपन थोड़ा सा और चीजें पढ़ लेते हैं। आइंस्टीन ने हमारी हेल्प करी थी और हमें बताया था कि आप चाहो तो मास को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ही इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, राइट। सो मास डिफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, आपको अगर मैं कहूं कि कार्बन 12 एटम आपको दिया जाता है, एटम भी क्या, उसके सारे इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया, उसका न्यूक्लियस आपको दे दिया जाता है मान लो, तो मैं कहूं कि यार इस न्यूक्लियस का जो वेट होगा, इसका जो मास होगा वो कितना होगा, तो दो अलग अलग स्टूडेंट दो अलग अलग अप्रोच से इसका मास मेजर करने की कोशिश करेंगे। एक स्टूडेंट थोड़ा सा आलसी है और थोड़ा सा हाईटेक भी है, उसके पास में एक बहुत ही एडवांस्ड मशीन रखी हुई है, वो डायरेक्ट इस कार्बन 12 के न्यूक्लियस को उस मशीन के ऊपर रखेगा और उसका मास अपने आप ही निकल के आ जाएगा। तो उस स्टूडेंट ने जो मास मेजर किया है, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, आपने मशीन का यूज करके मास निकाला है, राइट, एक तरीके से समझो इसको। और दूसरा जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर काम करने वाला आदमी है, वो दिमाग लगाता है कि यार कार्बन 12 एटम के अंदर 6 तो प्रोटोन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और मुझे प्रोटोन का और न्यूट्रॉन का दोनों का मास पता है, तो मैं तो इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये जो मास निकाला गया है ये थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड मास है। अब दोनों जो स्टूडेंट है वो उम्मीद कर रहे थे कि यार हमारे जो आंसर्स हैं वो सेम आने चाहिए, जबकि हर बार ये देखा गया कि आपका थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड मास जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली फिगर्ड आउट मास से ज्यादा होता है, और इन दोनों के डिफरेंस को ही बोला जाता है मास डिफेक्ट। ठीक है, तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला आप देखोगे कैसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, उसको प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड मास आ जाएगा, और इसमें से एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड जो न्यूक्लियस का मास होगा उसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस आएगा वही मास डिफेक्ट कहलाएगा। कई बार न्यूक्लियस का मास नहीं देके एटम का मास दे दिया जाता है, तो एटम के मास में फिर हमें इलेक्ट्रॉन का मास भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो जेड एमपी प्लस एम ई, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन संख्या में बराबर होते हैं, और ये एन मतलब ई माइनस जेड का मतलब एन ही होता है, टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, और उसमें से आप एटम के मास को माइनस कर दो, अगेन जो डिफेक्ट आएगा वो मास डिफेक्ट के इक्वल होगा। अब सवाल ये आता है कि मास डिफेक्ट आखिर में आ क्यों रहा है, तो फिर यहाँ पे हम दिमाग लगाना चालू करते हैं कि यार न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास बैठे हैं, जबकि उनको तो इलेक्ट्रोस्टेटिकली एक दूसरे को रिपेल करके एक दूसरे से बहुत दूर चले जाना चाहिए था, तो इसका मतलब है कोई इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपल्शन का भी पिताजी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लग रहा है इन न्यूक्लियॉन्स के बीच में, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, एंड इट इज इंडीड द वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमोंग ऑल द फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। इसकी कुछ खास बातें और होती है, जैसे ये जो फोर्स होता है ये बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है, केवल और केवल न्यूक्लियस की साइज के ऑर्डर तक ही ये फोर्स काम करता है, उसके बाद में फोर्स काम करना बंद कर देता है। ये हाईली अट्रैक्टिव होता है अप टू अ सर्टेन रेंज, अगर लेकिन आप और डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करते हो, लगभग 0.8 फेमटोमीटर तक ये अट्रैक्टिव होता है, और 0.8 फेमटोमीटर से भी कम अगर आप न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हो तो फिर ये रिपल्सिव भी हो जाता है इसीलिए। और तीसरा एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ये सैचुरेटेड फोर्स होता है, मतलब कुछ सर्टेन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ही ये अफेक्ट करता है और उसके बाद में इसको कोई लेना देना नहीं है, तो इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज की वजह से आप देखते हो कि आपके न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट कैसी आती है, कॉन्स्टेंट आती है। अब इस फोर्स की वजह से, इस न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से आपका जो न्यूक्लियस है वो बाउंडेड रहता है,
और हर बाउंडेड या स्टेबल सिस्टम जो होता है ना उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। यानी कि आप इसको यू भी कह सकते हो कि जब सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स अलग रहे होंगे और आपने उनको मिला के एक न्यूक्लियस बनाया होगा, आपने तो क्या नेचर ने बनाया होगा, तो इस प्रोसेस के अंदर जैसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क करने लगा होगा सिस्टम ने, जब भी सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस में पूरे के पूरे सिस्टम ने कुछ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी होगी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अब आप पूछोगे सर सिस्टम के पास आई कहाँ से ये एनर्जी, अपनी जेब से तो खर्च करेंगे नहीं। तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये जो रिलीज ऑफ एनर्जी है ये किस एक्सपेंस पर होता है, इस मास डिफेक्ट के एक्सपेंस पर होता है। इसीलिए तो आपके लिए गड़बड़ आ रही है, आप थ्योरिटिकली कैलकुलेट कर रहे हो तो आप क्या मान रहे हो कि यार सारे के सारे न्यूट्रॉन्स अलग थलग है, प्रोटॉन्स अलग थलग है, और जब आप कंबाइंडली न्यूक्लियस का मास निकाल रहे हो तो आप सबको चिपका के एक साथ मेजर कर रहे हो उनका मास, और ये डिफेक्ट जो आ रहा है वो बेसिकली वो मास डिफेक्ट है जो इस प्रोसेस के अंदर इसमें कन्वर्ट हो गया, बाइंडिंग एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो बाइंडिंग एनर्जी होती है मास डिफेक्ट टाइम्स सी स्क्वायर। आप 1 amu को डायरेक्ट कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट लिख सकते हो, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्विवेलेंट लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला कि मास डिफेक्ट 5 है तो आपको ऐसे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे मास किलोग्राम में रखो, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट रखो, डायरेक्ट 5 को 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो मास डिफेक्ट है उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की है, बहुत ज़्यादा है। आपने अभी अभी पिछला चैप्टर पढ़ा था एटम्स, उसमें आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होती है, तो उससे 10^6 गुना ज़्यादा है। सोच लो आप कि ये जो फोर्स है ये कितना पावरफुल होता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में। खैर, तो अब हमें लगभग सारी की सारी चीज़ें, सारा का सारा मसाला मिल गया कि हाँ यार न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली इस वजह से दुनिया की सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है, बिकॉज उस न्यूक्लियस की रेंज के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उनके बीच में फोर्स लगता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, और उसकी वजह से जो रिलीज होती है स्टेबिलिटी, उसने इतनी एनर्जी, मतलब अगर 1 amu को भी आप कन्वर्ट करोगे तो इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करके उसने स्टेबिलिटी पाई है, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और भी बेटर क्वांटिटी है, क्योंकि आप हर न्यूक्लियॉन के लेवल पे बात कर रहे हो कि हर न्यूक्लियॉन ने इतनी एनर्जी रिलीज करी होगी, तो आप बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर देते हो। इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर 26 फेरस 56। इसीलिए तुम नोटिस करना कि जितने भी न्यूक्लियस है अगर उनको तुम जबरदस्ती अनस्टेबल कंडीशन के अंदर लेके जाओगे तो वो स्टेबिलिटी पाने की राह में, जैसे सारे के सारे हमारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास में नहीं जाते थे, वैसे सारे के सारे न्यूक्लियस जो है वो स्टेबिलिटी पाने के लिए धीरे 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 किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फेरस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए जितने भी प्लैनेट्स और स्टार्स होते हैं उनकी जो कोर होती है, मतलब जहाँ पर एक्सट्रीम लेवल का टेम्परेचर और प्रेशर होता है, वहाँ पे कोई न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रह पाता, सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फेरस में। आप उम्मीद कर सकते हो कि हर स्टार और हर प्लेनेट की जो कोर है वो किससे मिलके बनी होगी, फेरस से मिलके बनी होगी, इंक्लूडिंग और अर्थ। अपनी जो अर्थ है वो भी निकल और फेरस जैसे स्टेबल न्यूक्लियस से मिलके बनी है, राइट। ये उन न्यूक्लाय के लिए कम होती है जिनका एटॉमिक मास नंबर 30 से कम होता है या 170 से ज़्यादा होता है। तो ये जो अनस्टेबल न्यूक्लाय है ये न्यूक्लियर फिजन के थ्रू, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू या रेडियो एक्टिव डिके के थ्रू, ये तीन प्रोसेसेस होती है नेचर के अंदर, इनके थ्रू वो स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करते हैं और किसी दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको कोई सी भी रेडियो एक्टिव इक्वेशन दे रखी हो कि ये ए था, इसमें आपने बी मिलाया, बी कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, कोई अदर न्यूक्लाय भी हो सकता है, फिर सी बन गया, फिर डी बन गया, तो आप इसकी क्यू वैल्यू निकालते हो, इट इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। ये कैसे आती है कि पक्का यहाँ का मास ज्यादा रहा होगा, पक्का इधर का मास कम हो गया होगा, मास डिफेक्ट जनरेट हुआ होगा और उसी के इक्विवेलेंट एनर्जी जो है वो बाहर निकल गई होगी, उसी को अपन डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो हमने एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी माइनस एम डी करके उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या कहलाती है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कहलाती है। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है इसका मतलब है वाकई ये जो इक्वेशन है ये पॉसिबल है, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो फिर इसका मतलब आप समझ जाना है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो रिएक्शन आप ऊपर बता रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है, या अगर आपको इसको पॉसिबल बनाना है तो फिर आपको इसको क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। तो वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होगी या नहीं होगी वो आप इस क्यू वैल्यू की बेसिस पे आसानी से जान सकते हो, राइट। रेडियो एक्टिव डिके के बारे में अगर हम बात करें तो
अल्फा डीके होता है जिसमें एक हीलियम प्लस टू आयन यानी कि अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जाता है, इसके बारे में पहले भी जानते हैं। तो अगर आपको कोई न्यूक्लियस दे रखा है जेड एक्स ए और इसमें से हीलियम निकल गया, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो एटॉमिक नंबर तो 2 कम हो जाएगा, जेड माइनस 2 रह जाएगा, और हीलियम का एटॉमिक मास नंबर होता है 4, तो एटॉमिक मास नंबर 4 कम हो जाएगा, तो एक नया न्यूक्लियस बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर 2 कम होगा, एटॉमिक मास नंबर 4 कम होगा। इसके ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आए, तो आपको इनको ध्यान रखना है, राइट। बीटा डीके दो तरीके से हो सकता है, नेगेटिव बीटा डीके भी हो सकता है। नेगेटिव बीटा पार्टिकल का मतलब होता है सिंपल इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या होता है जो न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन है वो चुपके से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको चार्ज तो कंजर्व रखना है, तो अगर इधर प्रोटॉन बन गया टोटल चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए था, तो आपको एक मजबूरी में क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, यही आपका नेगेटिव बीटा पार्टिकल होता है। तो इस प्रोसेस में आपने देखा कि आपका न्यूक्लियस था जेड एक्स ए, आपका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि एटॉमिक नंबर तो हो जाएगा जेड प्लस वन। बट ध्यान रखना न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अभी भी क्या है, सेम है, इसलिए इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बीटा पार्टिकल मिल गया। और अगर आप मोमेंटम और एनर्जी को कंजर्व रखते हो तो फिर आपको एक और हाइपोथेटिकल पार्टिकल की परिकल्पना करनी पड़ेगी। अब तो खैर हमें पता है कि वो एग्जिस्ट करता है, इसको बोला जाता है एंटी न्यूट्रिनो, खैर उसके बारे में अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे। बीटा प्लस डीके का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई, दैट इज पॉजिट्रॉन, इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन जो है वो चुपके से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन में, और टोटल चार्ज को बैलेंस रखने के लिए आपको मजबूरी में क्या निकालना पड़ेगा, एक पॉजिट्रॉन निकालना पड़ेगा। यानी कि जेड एक्स ए था, आपका एक प्रोटॉन चला गया यानी कि जेड माइनस वन हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अभी भी सेम है, बीटा पार्टिकल निकल गया और इसके साथ एक पार्टिकल निकलता है जिसको अपन न्यूट्रिनो कहते हैं। गामा डीके के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जेड भी जेड है, ए भी ए है, स्टार का मतलब है कि आपका न्यूक्लियस जो है वो अपनी एक अनस्टेबल एनर्जी लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा है, और वो अचानक से इस लेवल से अपने किसी ग्राउंड लेवल यानी कि लोअर एनर्जी लेवल पर क्या करता है, ट्रांजिशन करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स किया करते थे, वैसे ही एनर्जी लेवल्स आपके न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। तो इस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी की लेवल्स जो होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होती है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर वाली एनर्जी की रेडिएशंस बाहर निकलती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप निकालोगे तो किस रेंज के अंदर पड़ती है, गामा रेज की रेंज के अंदर पड़ती है, इसलिए गामा रेज निकलती है। तो इस तरीके से आपका जो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है। डिसइंटीग्रेट होने का मतलब है गायब नहीं हो रहा, डिसइंटीग्रेट होने का मतलब है वो किसी अदर न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ओवरऑल आपकी मास और एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगर हम किसी लॉ को ढूंढने की कोशिश करें तो ध्यान रखना रेडियो एक्टिविटी जो है वो एक कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब आपके सामने कोई न्यूक्लियस रखा हुआ है तो आप, कोई लॉ नहीं है आपके पास में, कोई रूल नहीं है कि आप उसके बारे में ये कह सको कि यार ये इस टाइम पे या इतने इतने टाइम के बाद में डीके हो जाएगा। इंडिविजुअल न्यूक्लियस के बारे में आप बात नहीं कर सकते, हाँ, बट आपको एक सैंपल दे दिया जाए तो आप सैंपल के बारे में जरूर बात कर सकते हो, और उसी को रदरफोर्ड और सॉडी ने हमें बताया था। उन्होंने बताया था कि द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लाई इन द सैंपल, ठीक है। माइनस साइन आता है क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लाई जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो dN by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन, यानी कि dN by dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, लैम्डा इज नथिंग बट डिके कॉन्स्टेंट। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास में एक इक्वेशन आती है n इज इक्वल टू एन नॉट, यानी कि शुरुआत में t इज इक्वल टू जीरो पर कितने न्यूक्लाई अवेलेबल थे आपके सैंपल के अंदर, e की पावर माइनस लैम्डा टाइम्स t, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सारे के सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। हाफ लाइफ जिसमें आपका सैंपल 50% डिके हो चुका होता है और केवल और केवल 50% एक्टिव न्यूक्लाई जो है वो बच जाते हैं, तो ये log 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा के इक्वल होगा या 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा के इक्वल होगा, कैलकुलेशन की पर्पस से आप इसको 0.7 डिवाइडेड बाय लैम्डा भी लिख सकते हो। मीन लाइफ का मतलब है कि आपके 63% जो है नंबर ऑफ न्यूक्लाई जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, 37% ही एक्टिव रह जाए, उस टाइम को अपन क्या बोलते हैं, मीन लाइफ बोलते हैं। तो ये 1/λ यानी कि डीके कांस्टेंट की रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। फॉर्मूलाज है, याद रखने हैं, न्यूमेरिकल हो जाएंगे, फॉर्मूला भी यूज होते हैं सारे के सारे। एक्टिविटी, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज कॉल्ड एक्टिविटी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू उसकी, तो लैम्डा एन हो जाएगा, मैंने मॉड लगा दिया।
इसका और इसका फॉर्मूला सेम होता है, जैसे एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी हुआ करता था, वैसे ही आर इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी होगा। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो बैकरिल कहलाती है। इसकी अदर पॉपुलर यूनिट है क्यूरी, राइट। वन क्यूरी जो है वो 3.7 × 10⁻¹⁰ बैकरिल के इक्वल होती है। और ये जो दो इक्वेशंस मैंने लिखी है, ये e की पावर वाली जो इक्वेशंस थी ना, इन्हीं का एक अदर रूप है, बट ये न्यूमेरिकल्स करने में आपकी ज़्यादा सहायता करेंगी, कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा आसान बना देगी। तो n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू हाफ पावर t अपॉन हाफ लाइफ, या फिर r अपॉन r नॉट हाफ पावर t अपॉन हाफ लाइफ। तो इनको आप कोशिश कर सकते हो यूज़ करने की। ध्यान दो, डीके कॉन्स्टेंट हो गया, या हाफ लाइफ हो गया, या मीन लाइफ हो गया, ये तीनों एक दूसरे के भाई बंधु हैं। तीनों ही उस रेडियो एक्टिव मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। तो तीनों में से कोई भी आपको दे दिया जाए, आप बाकी के दो फिगर आउट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में इनको कन्वर्ट करने के फॉर्मूलाज जो है वो अवेलेबल है। तो लिटरली इतनी सी ही इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इस चैप्टर के डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। मैं आ जाता हूँ स्क्रीन के अंदर। हमारी मोस्ट वांटेड सीरीज आखिरी पढ़ाव के अंदर आ चुकी है और मैं इससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन स्क्रीनशॉट्स के साथ मुझे भी ध्यान रखो, राइट। इस गरीब आदमी को भी ध्यान रखो। ये एक और स्क्रीनशॉट है, इसको ले लो आप। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन लेता है, A nucleus X235 splits into two nuclei having the mass number in the ratio 2:1. The ratio of the radii of these two nuclei is. तो हमें फॉर्मूला पता है कि जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक मास नंबर की पावर 1/3 पर, यानी कि R1 डिवाइडेड बाय R2 किसके इक्वल हो जाएगा, A1 डिवाइडेड बाय A2 की पावर 1/3 पर। और हमें A1 डिवाइडेड बाय A2 दे रखा है, कितना दे रखा है, 2/1 की पावर 1/3, यानी कि 2^1 रेशियो 1। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, ध्यान रखना, ऑफ C12 इज 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट ऑफ C13 इज 7.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The energy required to remove one neutron from C13 is. तो एक न्यूट्रॉन को अगर आपको हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो, आपका C13 था और आप इसमें से एक न्यूट्रॉन हटा दोगे तो ये बन जाएगा C12 और एक न्यूट्रॉन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर फ्री मिलेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूट्रॉन फ्रॉम C13, तो ऑब्वियसली जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी में से आप इसकी बाइंडिंग एनर्जी को क्या कर दो, माइनस कर दो, उतनी तो रिक्वायर्ड होगी। तो इसकी अगर आप बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे टोटल, तो कितनी निकल के आएगी, 13 × 7.47, ठीक है। इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 7 = 21 power 2, 3 × 4 = 12 or 2 = 14 power 1, अगेन 21, 22, यहां पर आ जाएगा आपका 7, 4, 7, तो 1, 7 और 4, 13, 7, 4, 11 पावर 1, 4 × 6 = 7 हो गया, 7 और 2, 9 हो गया, ठीक है ना। और अगर आप पॉइंट लगाओगे तो 97.11 आ जाएगी। अगर आप इसकी निकालोगे तो ये आ जाएगा 12 × 7.68, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 8 करेंगे 16 power 1, 2 × 6 करेंगे 12, 13 power 1, 14, 15 आ जाएगा। और यहाँ पर 8, 6, 7, 6, 8 और 3, 11 power 1, 6 और 5, 11 और 1, 12 power 1, 7 और 1, 8 और 1, 9, तो 92.16। तो इसकी में से इसकी एनर्जी अपन माइनस कर देते हैं, 97.11 में से 92.16 अपन माइनस कर देते हैं, 11 में से 6 चले गए कितने बचेंगे, 5, यहाँ पर बच जाएगा 0, 10 में से 1 गए तो कितने बचेंगे, 9, यहाँ पे बच जाएगा 6, 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 4, तो 4.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी आपको चाहिए अगर आप क्या करना चाहते हो, एक न्यूट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो।
4.95. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, राइट, कर सकते हैं अपन आसानी से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द डिसइंटीग्रेशन सीरीज 92 U238 अल्फा एक्स बीटा माइनस जेड वाई ए द वैल्यू ऑफ जेड एंड ए रिस्पेक्टिवली विल बी. ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और इनसे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. कैसे करेंगे? सबसे पहले अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो हमें पता था कि जब भी अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर तो 2 कम हो जाता है यानी कि यहाँ पे 90 रह जाएगा और एटॉमिक मास नंबर 4 कम हो जाता है यानी कि 234 रह जाएगा. यहाँ तक की बात आ गई समझ में? फिर उसके बाद में बीटा माइनस हो रहा है. बीटा माइनस होने पर याद करो आपका जो एटॉमिक नंबर था वो प्लस 1 हो जाया करता था तो जेड की वैल्यू तो आ जाएगी 91 और ए की वैल्यू एटॉमिक मास नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था तो ये आ जाएगी आपकी 234 यानी कि Z तो होना चाहिए 91 और A होना चाहिए 234. ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा. कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए हमें, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज अ सीरीज ऑफ डीके अकॉर्डिंग टू द स्कीम. इफ द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ए 180 72, ये 72 180 था. अल्फा पार्टिकल निकला तो ये बन जाएगा 70, ये बन जाएगा 176. फिर बीटा निकला, जब तक कहीं नहीं तो बीटा नेगेटिव ही मानना है अपनों को, राइट. तो ये हो जाएगा 71 और ये रहेगा 176 क्योंकि ए पर कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर से अल्फा निकला तो ये हो जाएगा 69 और ये हो जाएगा 172, ठीक है. और फिर गामा निकला तो गामा से दोनों के ऊपर ही कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये रह जाएगा 69 एंड 172. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आई गेस वो हमारा करेक्ट हो जाना, नहीं ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए. एक बार वापस से चेक कर लेते हैं. ये 2 कम हो गया, ये 4 कम हो गया. बीटा पे इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस 1 हो जाएगा. फिर अल्फा पे ये 2 कम हो जाएगा 69, ये 4 कम हो जाएगा 172 और फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा गामा से, ना तो ए पर ना जेड पर. तो 172 69 ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन ए बी सी डी ई रिप्रेजेंट. तो करते जाते हैं, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल निकलता है तो बी तो हो जाएगा आपका कितना 90 और ए हो जाएगा आपका कितना 234. फिर बीटा निकला, जब तक कहीं नहीं बीटा नेगेटिव मानना है आपको तो ये तो डी तो हो जाएगा एक बढ़ गया 91 और सी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा 234. अब यहां पर दिमाग लगाना, ये 91 से 92 हुआ है यानी कि प्लस 1 हुआ है, इसका मतलब ये पक्का कैसा पार्टिकल होना चाहिए? बीटा नेगेटिव पार्टिकल होना चाहिए. देखो 235 से 234 गिरा. तो अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन. तो सबसे पहले ए हमारे हिसाब से 234 होना चाहिए था, बी हमारे हिसाब से 90 होना चाहिए था, सी हमारे हिसाब से 234, डी 91 और पार्टिकल हमारा हुआ करना होना चाहिए था बीटा पार्टिकल, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ए एंड बी हैव डीके कांस्टेंट्स 5 लैम्डा एंड लैम्डा रेस्पेक्टिवली. एट टी इज इक्वल टू 0 दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लाई. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लाई ऑफ ए टू द बी विल बी 1/e² आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ दिस. तो हम एन ए की इक्वेशन लिखेंगे, शुरुआत में तो दोनों के लिए सेम ही है. ई की पावर माइनस ए का कितना है 5 लैम्डा टाइम्स टी, ठीक है. बी की इक्वेशन लिखेंगे, शुरुआत में नंबर ऑफ न्यूक्लाई सेम है ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है. दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो एन ए डिवाइडेड बाय एन बी. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रेशियो कितना हो गया 1/e² 1/e² और हमारे अकॉर्डिंग कितना हो जाना चाहिए, एन नोट से एन नोट चला गया तो ई की पावर, ये ई है ये ई है, ई की पावर माइनस 5 लैम्डा टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ई की पावर माइनस लैम्डा टी. चलो इसको सॉल्व करते हैं. तो ये तो 1/e² ही रहने दो. इसको देखो जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस लैम्डा टी हो जाएगा, माइनस 5 और प्लस तो माइनस 4 लैम्डा टी, और वापस से नीचे लेके आओगे तो ई की पावर 4 लैम्डा टी रह जाएगा. अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, जो 2 है वो किसके इक्वल आना चाहिए 4 लैम्डा
टी के इक्वल आना चाहिए, यानी कि टी किसके इक्वल आ जाना चाहिए, 2/4 लैम्डा, यानी कि 1/2 लैम्डा के इक्वल आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, राइट हो जाना चाहिए, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू सैंपल्स एक्स एंड वाई कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, तो दोनों में इक्वल अमाउंट है, राइट। इफ 1/16 ऑफ द सैंपल एक्स एंड 1/256 ऑफ द सैंपल वाई रिमेन आफ्टर 8 आवर्स, देन द रेशियो ऑफ हाफ लाइफ पीरियड्स ऑफ एक्स एंड वाई इज, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले एक्स के लिए लगाते हैं, तो एन एक्स डिवाइडेड बाई एन नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पावर, टाइम कितना दे रखा है हमें, 8 घंटे, तो 8 आवर्स डिवाइडेड बाय जो भी हमारी हाफ लाइफ है एक्स की। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, हमने फॉर्मूला लगा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए इस फॉर्मूले के अंदर। और ये हमें दे रखा है कि कितना रह गया सैंपल एक्स, 1/16 रह गया, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस हमें दे रखा है 1/16, ठीक है। 1/16 का मतलब होता है 1/2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर 4 जो होती है वो कितनी होती है, 16, 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 2 = 16, तो ये और ये आपस में इक्वल हो जाने चाहिए, तो 4 इज नथिंग बट 8 आवर पर हाफ लाइफ ऑफ x, यानी कि हाफ लाइफ ऑफ x हो जानी चाहिए आपकी 8/4 आवर्स, यानी कि 2 आवर्स। यहाँ तक की बात आ गई समझ में। कुछ इसी तरीके से हम हाफ लाइफ ऑफ y निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एन वाई डिवाइडेड बाय एन नॉट जो है वो कितना दे रखा है हमें, 1/2 पावर 8 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ y, और इसके अकॉर्डिंग 1/256, और 256 को आप लिख सकते हो 1/2 की पावर 8, ठीक है। 16 है, 16 को 2 की पावर 4 लिखा था, तो 16 × 16 256 होता है, तो पावर 8 हो जाएगा, यानी कि 8 इज नथिंग बट 8 आवर्स डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ y, यानी कि हाफ लाइफ ऑफ y इज 1। तो द रेशियो ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ x एंड y, तो इसका और इसका रेशियो लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, तो 2/1, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्टिविटी ऑफ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल इज R1 एट टाइम T1 एंड R2 एट टाइम T2, तो R1 इज इक्वल्स टू R0 e^-λT1 एंड R2 इज नथिंग बट R0 e^-λT2। If mean life of the radioactive sample is T, then, तो mean life से अपनों को relate करना है, यानी कि ये जो lambda है ना, इसकी जगह हमें mean life लिखना है, तो अपन एक काम करते हैं, पहले तो divide कर देते हैं इसको, ताकि थोड़ा बहुत कुछ तो आसान हो। R0 से R0 cancel हो जाएगा, तो जो हमें दे रखा है उसकी तरफ जा रहे हैं, right? और ये हो जाएगा e^λ × T2 − T1, ठीक है। और ये जो लेमडा है, आपको पता है हाफ मीन लाइफ जो होती है वो लेमडा के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है, तो लेमडा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/T के इक्वल हो जाएगा, तो R1/R2 इज e^T2 − T1 / T, तो R1 जो आना चाहिए वो R2 टाइम्स, इसको एक्सपोनेंशियल भी ऐसे भी लिखा जाता है, e^T T2 − T1 / T, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, R1 इज इक्वल्स टू R2 एक्सपोनेंशियल T2 − T1 / दिस वन। एक बार करेक्ट कर देख लेते हैं, एक बार R1 है ये हो गया, जब इस चीज को डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर जाके, तो T2 − T1 बचेगा। अगेन आई होप यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, आप एक बार रीवेरीफाई कर लेना, ये R1 इज इक्वल्स टू R2 टाइम्स एक्सपोनेंशियल T2 − T1 / T के इक्वल आना चाहिए। एक बार आप भी इसको वेरीफाई करके देखना, ठीक है, चलो बाकी हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ
पीबी 212 210 इज 22 ईयर्स. इफ 2 ग्राम ऑफ दिस इज टेकन देन आफ्टर 11 ईयर्स द अमाउंट ऑफ दिस विल बी प्रेजेंट इज. तो देखो 22 साल के अंदर आपका जो भी सैंपल है वो कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा. ठीक है, तो आप ये लगा सकते हो कि शुरू में आपका सैंपल कितना है, 2 ग्राम्स दे रखा है, वैसे अपन अपने हिसाब से एन नॉट ले लेते हैं. तो आफ्टर 11 इयर्स द अमाउंट विल बी इक्वल टू, तो कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा एन अपॉन एन नॉट इज 1/2 पावर कितने टाइम बाद में, आफ्टर 11 इयर्स. और हाफ लाइफ कितनी दे रखी है हमें, 22 इयर्स. तो ये आ जाएगा आपका 1/2 एन अपॉन एन नॉट इज नथिंग बट 1/2 की पावर 1/2, यानी कि एन इज नथिंग बट एन नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू. एन नॉट हमें कितना दे रखा है, 2 ग्राम डिवाइडेड बाय रूट टू, यानी कि रूट 2 ग्राम, यानी कि 1.414 ग्राम. ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोएक्टिव कार्बन 14 इन अ वुड सैंपल डिकेज विद अ हाफ लाइफ ऑफ 5,700 इयर्स. द फ्रैक्शन ऑफ द रेडियोएक्टिव कार्बन 14 दैट रिमेन्स आफ्टर अ डिके पीरियड ऑफ 17,100 इयर्स इज. कोई दिक्कत नहीं है, वही फॉर्मूला लगेगा हमारा, एन अपॉन एन नॉट इज 1/2 पावर. कितने टाइम बाद में पूछा गया, 171 00, और हाफ लाइफ कितने साल की दे रखी है हमें, 5700. ठीक है, चलो तो 00 से 00 तो कैंसिल हो जाएंगे, आई गेस ये 57 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा. कितनी बार, 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा ये. ठीक है, 57 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 21 पावर 2 1517, तो ये 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा. तो एन अपॉन एन नॉट जो है वो 1/2 की पावर 3, यानी कि 1/8 रह जाएगा. दैट रिमेन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ दिस. ठीक है, तो एन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एन नॉट टाइम्स 1/8. तो ये रह गया, ये एन जो है ना, ये वो है जो रह चुका है. अगर आपसे पूछा कि कितना डिसइंटीग्रेट हो चुका, तो फिर आपको इसको 1/2 से माइनस करना पड़ता, तब आंसर 7/8 आता. अभी तो जो पूछा गया उसका आंसर कितना आ जाएगा, हमारा 1/8 आ जाएगा. तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना, आप पता चले पूरा क्वेश्चन करने के बाद में गलती करके आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज एक्स एंड वाई इनिशियली कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, देयर हाफ लाइव्स आर 1 आवर एंड 2 आवर रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ देयर रेट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन आफ्टर 2 आवर्स इज. तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, पहले वाले के लिए लिखेंगे तो R1 डिवाइडेड बाय R0 1 लिखेंगे. अब ध्यान देना, नंबर ऑफ एटम्स सेम है, रेट्स सेम नहीं है, तो R0 1 जो होगा ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाय डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 टाइम्स नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस एट t इज इक्वल टू 0. और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होना चाहिए, 1/2 की पावर t / t हाफ लाइफ ऑफ 1. ऐसे दूसरे के लिए लिखेंगे तो R2 डिवाइडेड बाय R0 2 हो जाएगा, यानी कि R2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 टाइम्स N0. ये दोनों के लिए सेम है, और यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 t / th. सॉल्व करेंगे तो डिवाइड कर लेते हैं अपन इनको, डिवाइड करेंगे तो N0 से N0 तो कैंसिल हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाय R2 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1. यहाँ पे 1/2 बेचारा अकेला रह जाएगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो t दोनों में कॉमन आ जाएगा, 1/th1 माइनस 1/th2. कर सकते हैं इतना तो काम, कोई दिक्कत नहीं है. देखो जो हाफ लाइफ होती है ना वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. अपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा. तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 को भी आप किसके इक्वल लिख सकते हो, सिंपली हाफ लाइफ ऑफ 1 हाफ लाइफ ऑफ 2 के इक्वल लिख सकते हो, 1/2 की पावर t टाइम्स
वन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ वन, वन डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ टू। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आर वन, ये हो जाएगा आर टू। पहले की हाफ लाइफ कितनी दे रखी है? वन। दूसरे की कितनी दे रखी है? टू। यहाँ पर आ जाएगा वन बाय टू। टाइम कितने बाद में पूछा गया आपको? दो घंटे के बाद में। पहले की हाफ लाइफ दे रखी है वन और दूसरे की दे रखी है टू। ये वन माइनस वन बाय टू करेंगे तो वन बाय टू बचेगा, टू से वन बाय टू कट जाएगा तो वन बचेगा, तो इधर वन बाय टू बचेगा, उस वन बाय टू से वन बाय टू कट जाएगा, तो आर वन डिवाइड बाय आर टू कितना आ जाना चाहिए? वन डिवाइडेड बाय वन, यानी कि ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू रेडियो एक्टिव मटीरियल ए वन एंड ए टू विद हाफ लाइफ ऑफ 22nd एंड 10 seconds respectively. Initially, the mixture has 40 gram of A1 and 160 gram of A2. The amount of 2 in mixture will become equal after. चलो एक और तरीके से इस क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करी गई है। तो मिक्सचर के अंदर दो रेडियो एक्टिव मटीरियल है A1 और A2। दोनों की हाफ लाइफ अलग अलग है, यानी कि दोनों अलग अलग रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी हाफ लाइफ कम है ना वो ज्यादा जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इनिशियली द मिक्सचर हैज 40 ग्राम ऑफ A1 एंड 160 ग्राम ऑफ A2। द अमाउंट ऑफ द टू इन मिक्सचर विल बिकम इक्वल आफ्टर। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये हमें अमाउंट दे रखा है ना ग्राम्स के अंदर दे रखा है, उसको अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लाई के। ठीक है ना, एवोगैड्रोस नंबर से अपनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट ठीक है हम उस डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। तो पहले के लिए लिखते हैं, द मिक्सचर हैज 40 ग्राम ऑफ A1। तो मान लो कुछ टाइम बाद में इसका अमाउंट रह जाता है n। ठीक है, शुरुआत में कितना था? n नॉट 1। ठीक है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाना चाहिए 1/2 पावर t अपॉन t हाफ। इसकी हाफ लाइफ कितनी है? पहले की 20 सेकेंड्स है। ठीक है, ऐसे दूसरे के लिए लिखेंगे n अपॉन n नॉट टू। मैंने n सेम क्यों रखा? क्योंकि इनमें क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों की अमाउंट इक्वल हो जानी चाहिए किसी टाइम t पर, तो दोनों की अमाउंट इक्वल होगी और शुरुआती अमाउंट दोनों की अलग अलग थी, तो 1/2 की पावर t अपॉन इसकी हाफ लेंथ दे रखी है हमें 10 सेकंड। डिवाइड कर लेंगे, n से n कट जाएगा, n नॉट टू चला जाएगा ऊपर, n नॉट वन रह जाएगा नीचे, हाफ की पावर t आ जाएगा कॉमन, 1/20 माइनस 1/10। ये n नॉट टू हमें कितना दे रखा है? 160 ग्राम्स, और n नॉट वन हमें किसके प्रोपोर्शनल दे रखा है? 40 ग्राम। यहाँ पे आ जाएगा 1/2। टाइम तो हमें निकालना ही है, ये 1/20 माइनस 1/10 करोगे तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, इसको अपन 20 बना देते हैं, इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस 1, तो माइनस 1/20 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 16 अगर कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा आपका 4, और 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, और इसको भी अगर आप 2 की पावर के अंदर लिखोगे तो आप लिख सकते हो 2 की पावर t अपॉन 20। दोनों पावर्स को इक्वल करोगे तो 2 इज इक्वल टू t अपॉन 20, तो t की पावर हो जाएगी 40 सेकेंड्स। ठीक है, ये पॉजिटिव कैसे हो गया कि ये नीचे था ऊपर लाएंगे माइनस हो जाएगा, वो माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे तो 4 आया था उसके लिए, तो टी की पावर कितनी, टी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 40 सेकेंड आनी चाहिए, 40 सेकेंड बाद में दोनों की जो अमाउंट है सैंपल के अंदर इक्वल हो जाएगी। ठीक है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूटीरियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। ध्यान रखना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, राइट। When two deuterium nuclei fuse to form a helium nucleus, the energy released in the fusion is. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन से हमें ये बनाना है कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन किस प्रकार की हो रही है। तो ये बता रहा है कि दो ड्यूटीरियम एटम्स जो हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं? हीलियम न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो ड्यूटीरियम का मतलब होता है 1H2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होते हैं? 2 होते हैं, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। तो दो मिल गए और इन्होंने क्या बना दिया? एक हीलियम बना दिया, 2He4। बैलेंस कर लो, 1 और 1 2 होने चाहिए थे, और यहाँ पे 2 और 2 4 होना चाहिए था टोटल,
तो इसके साथ साथ कुछ निकलेगी एनर्जी और हमें इस एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली ये एनर्जी कुछ नहीं है, ये आपकी क्यू वैल्यू है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि हम इधर वाले प्रोडक्ट की क्या निकालते थे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालते थे और रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी निकालते थे और इधर प्रोडक्ट साइड की टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालते थे, डिफरेंस देखते थे कितना डिफरेंस जो है वो जनरेट हुआ है। तो यहाँ की बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, तो इसके पास कितने न्यूक्लियॉन है, 1। हर न्यूक्लियॉन की एनर्जी कितनी है, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर हो जाएगा 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां पर भी हो जाएगा 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी आपकी 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर अगर आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड आउट करोगे तो इसके पास न्यूक्लियॉन कितने हैं, 4, और हर न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक की बात आ गई समझ में। तो इधर बाइंडिंग एनर्जी 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और इधर बाइंडिंग एनर्जी 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये ज्यादा स्टेबल है, यानी कि इस न्यूक्लियस को बनते टाइम पे इतनी एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी, और इन न्यूक्लाय को बनते टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर अपन इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो अपनी वो एनर्जी आ जाएगी जो इससे इस न्यूक्लियस को बनने के दौरान क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी। तो ऐसा सीधा सा हिसाब है अपना, तो अपनी जो एनर्जी रिलीज होगी इस कंडीशन के अंदर वो हो जाएगी आपकी 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप 28 में से 2.2 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो इससे एक बार आप वापस से समझ सकते हो कि रिएक्टेंट साइड पर जो न्यूक्लाय हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। बाइंडिंग एनर्जी का कम होने का मतलब क्या है कि उनको अगर आप बनाओगे तो कम एनर्जी रिलीज होगी, कम स्टेबल है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब इसको बनते टाइम पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा स्टेबल है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी में से इसकी बाइंडिंग एनर्जी माइनस कर देंगे तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा एनर्जी का, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट ए एंड बी आर ईए प्लस ईबी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट ए एंड बी दे रखा है। राइट, 3 एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फ्यूज टू गिव 1 एटम ऑफ एलिमेंट ए। तो 3 बी मिलके क्या दे देते हैं, 1 ए दे देते हैं। द फ्यूजन प्रोसेस इज एक्पनीड बाय अ रिलीज ऑफ एनर्जी ई, और ई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। द ई ए ई बी एंड ई आर रिलेटेड टू ईच अदर एज। तो मैंने बताया था इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी ई ए और इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी टोटल 3 ई बी, पक्का ये ज्यादा रही होगी, ये कम रही होगी, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। तो ई हो जाएगा तुम्हारा ई ए माइनस 3 ई बी। यानी कि आप अगर देखना चाहोगे तो इसको इधर ले आते हैं, ई को उधर ले जाते हैं, तो 3 ई बी किसके इक्वल हो जाना चाहिए, ई ए माइनस ई के इक्वल हो जाना चाहिए, और ये आपको ऑप्शन नंबर 3 के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 ई बी किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, ई ए माइनस स्मॉल ई के इक्वल दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन था और इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ 12 एल्यूमिनियम 27 न्यूक्लियस इज टेकन टू बी आर ए एल, देन द रेडियस ऑफ 53 टीई 125 न्यूक्लियस इज। तो हमें पता है जो रेडियस होती है वो एटॉमिक मास नंबर की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका एटॉमिक मास नंबर है 125 और इसका एटॉमिक मास नंबर है 27 और इसकी पावर अपन को करनी है 1/3। 125 की पावर 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 27 की पावर 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 3। तो आर टी ई विल बी नथिंग बट 5/3 टाइम्स आर ए एल। इसमें सवाल केवल इस बात का है कि आपको पहचानना आता है क्या कि इनमें से कौन सा एटॉमिक मास नंबर है, और फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। तो 5/3 आर के एल ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
रेडियोएक्टिव मटेरियल ए हैज डीके कांस्टेंट 8 लैम्डा एंड मटेरियल बी हैज डीके कांस्टेंट, वहां पर 8 लैम्डा और बी का लैम्डा है. इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल ए टू दैट ऑफ बी विल बी 1/E. तो अगर अपन ए के लिए लिखें तो एन ए इज नथिंग बट एन नॉट टाइम्स ई की पावर माइनस 8 लैम्डा टी. ठीक है, इक्वेशन तो हमें सबको पता ही है. और एन बी इज नथिंग बट एन नॉट टाइम्स ई की पावर माइनस लैम्डा टी. हमने एन नॉट सेम क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इनिशियली दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लाई जो थे वो सेम थे. डिवाइड कर देंगे तो एन ए डिवाइडेड बाई एन बी जो है वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बेसिकली पॉजिटिव हो जाएगा. तो e की पावर लैम्डा माइनस 8 लैम्डा टाइम्स t. और ये आपको कितना दे रखा है, na डिवाइडेड बाय nb, ये आपको दे रखा है 1/E. यानी कि e की पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस 7 लैम्डा t. यानी कि माइनस 7 लैम्डा t किसके बराबर हो जाना चाहिए, माइनस 1, माइनस से माइनस गया, t की वैल्यू आ जाएगी 1/7 लैम्डा. ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर अ रेडियो एक्टिव मटीरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट्स. यानी कि आपको हाफ लाइफ दे दी गई है, अभी तो मिनट्स के अंदर ही रखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो कन्वर्ट कर लेंगे ऐसा यूनिट के अंदर. ठीक है, चलो. इफ इनिशियली देर आर 600 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि एन नॉट आपको दे रखा है 600. The time taken in minutes for the disintegration of 450 nuclei. अब ध्यान रखना, 450 जो है ना वो disintegrate हो जाएं. यानी कि कितने बच जाएं, 600 में से 450 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 150. तो जो अपन n लेंगे ना, ये एक्टिव न्यूक्लाई होते हैं, तो ये कितने बचे, 150 बचे. बस इसके अंदर यही था. क्वेश्चन बहुत आसान है. n अपॉन एन नॉट किसके इक्वल होना चाहिए, 1/2 की पावर टी डिवाइडेड बाय टी एच. एन अपॉन एन नॉट यानी कि 150 डिवाइडेड बाय 600, 0 से 0 गया, 15 से 60 चला गया, 1/4. और इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2. पावर्स इक्वल हो जाएंगी, टी अपॉन टी एच इज नथिंग बट 2, स्मॉल टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी एच. और टी एच हमें कितना दे रखा है, 10 मिनट्स. यानी कि 2 × 10 20 मिनट्स जो है वो हमारा आंसर आ जाना चाहिए. ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए. बच्चे गलती क्या करेंगे, 450 को n मान लेंगे, और 450 को n मानने से उनकी सारी की सारी गड़बड़ें शुरू हो जाएंगी, उनको ऑप्शन में आंसर ही नहीं मिलेगा और घबरा जाएंगे और बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी. राइट, तो ये जितने भी क्वेश्चन अपनों ने करे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस न्यूक्लियस नाम के चैप्टर का जितना भी एरिया, जितना भी इलाका था, उसकी सैर करवाने के लिए कराए गए हैं. बिलीव मी, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन या इन्हीं टाइप का कोई क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में मिलने वाला है. मैं आपको शुरुआत से बताता आ रहा हूं, जब से मैंने मॉडर्न फिजिक्स चालू करी है, कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को, फिजिक्स को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स जो है इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं और आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और आप बच्चे मॉडर्न फिजिक्स को ना जाने क्यों नहीं करते. हो सकता है कि 12th तक आते आते आप इतना थक चुके होते हो. ठीक है भाई, इतना लंबा है ना, 11th का एक साल पढ़ लिया, 12th का एक साल पढ़ लिया, एग्जाम है कि आता ही नहीं है. तो आप इतना परेशान हो चुके होते हो, थक चुके होते हो, चीज़ें इतनी स्ट्रेच हो चुकी होती है कि आप ध्यान ही नहीं दे पाते इन सारे के सारे चैप्टर्स के ऊपर. बट मोस्ट वांटेड सीरीज का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि विद इन 40 डेज, दिस इज 35th डे, इन 35 डेज यू हैव कवर्ड ऑल ऑफ द फिजिक्स जो आपने 2 साल के अंदर पढ़ी है, एंड इन अ मोस्ट इफिशियंट वे. सो नाउ this most wanted series is I hope providing you so much benefit for your preparation. ये आपकी तरफ से मुझे message मिलेगा तो मुझे और भी ज़्यादा motivation मिलेगा, मैं और भी ज़्यादा innovative तरीके से सोच पाऊँगा कि आप बच्चों की और किस तरीके से मदद करनी चाहिए. So please आपकी जितनी भी जो भी feedback है, negative, positive, video के बारे में या जो भी कुछ है, वो आप direct मुझ तक पहुँचा सकते हैं. Telegram पर I hope बच्चे मेरे से जुड़े हुए होंगे, जो नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं एक अलग से, या फिर जो भी ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ होगा उसके अंदर मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू.